नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टेक पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको कैंडी फोर 100 mg कैप्सूल के बारे में जानकारी देंगे। इस कैप्सूल का क्या काम है, इसको कैसे यूज करना है, इसके फ़ायदे, नुकसान, कंपोजिशन, मार्केट प्राइस, इन सब के बारे में फ्रेंड्स पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, कृपया वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, कैंडी फोर्स 100 mg कैप्सूल ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसकी मार्केट प्राइस फ्रेंड्स 76 रुपये है और 7 कैप्सूल का ये एक स्ट्रिप आता है। मैनकाइंड कंपनी फ्रेंड्स बहुत ही मशहूर है और इसके बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स, कैंडी फोर्स 100 कैप्सूल ये आपको हर एक मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आइए जानते हैं फ्रेंड्स इस कैप्सूल के फ़ायदे के बारे में। इससे पहले बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, कैंडी फोर 100 कैप्सूल जिसके कंटेंट की बात करें तो इसमें इंट्राकोनाजोल होता है जो कि 100 mg प्रत्येक कैप्सूल में होता है। तो फ्रेंड्स, इंट्राकोनाजोल एक एंटी फंगल दवा है जो कि फंगल इन्फेक्शन को बहुत ही जल्द ठीक कर देता है। फंगल इन्फेक्शन फ्रेंड्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि दांत खाज खुजली हो गया, नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो इस प्रकार की समस्याओं को ये बहुत ही जल्द ठीक कर देता है। दांत खाज खुजली चाहे जितना भी पुराना हो, कितनी भी दवा लगा कर परेशान हो जाते हैं, ठीक नहीं होता है, तो इस कैप्सूल के सेवन से ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, त्वचा संबंधित रोगों में ये कैप्सूल बहुत ही लाभदायक है, जैसे कि त्वचा में खुजली, त्वचा में लाल दाने, लाल चकत्ते, इन सब में भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। यह कैप्सूल फ्रेंड्स 200 mg में भी मिलता है, जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस प्रकार से डॉक्टर इसको लिखते हैं। और आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं इस कैप्सूल के डोज के बारे में। तो इस कैप्सूल को लेने से पहले सबसे पहले तो अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही इसका सेवन करना चाहिए। जिस प्रकार से डॉक्टर आपको कहें उस प्रकार से ही इसका सेवन करना चाहिए। वैसे इसका नॉर्मली डोज फ्रेंड्स एक कैप्सूल एक दिन में होता है। इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर से अच्छी तरह से परामर्श ले लें, उसके बाद ही इसका सेवन करें। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस कैप्सूल के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी होना, मुंह सूखना, पेट में दर्द, सर दर्द, इसके अलावा चक्कर आना, पेट में गैस की समस्या और कब्ज की समस्या हो सकती है। ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं। और अगर आपको इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो इसका सेवन न करें। और फ्रेंड्स, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस कैप्सूल का सेवन नहीं करना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी कैंडी फोर 100 कैप्सूल के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।